स्टूडेंट्स, सो टुडे आई हैव सम ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स. दीज आर वेरी ब्राइट एंड वेरी शेंटी. सो एक्चुअली यस्टरडे आई गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ माई 12th क्लास स्टूडेंट एंड सी वाज सेइंग, मैम प्लीज एक्सप्लेन फीमेल गैमेटोफाइट और द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. फॉर द सेम I have collected some of flowers from my neighborhood. Basically, these are the flowers present in my society, and I thought ki let's do something from these flowers. So, मैंने थोड़े से flowers collect किए हैं आपके लिए. देखते हैं इनसे क्या क्या information निकल के आती है. Although ये एक complete specimen नहीं है, so हम लोग इससे कुछ information जितनी भी निकल पा रही है we'll try to understand. So, first one is this. So when we reveal the floral structure, so many times you wrote that whether the flower is bracteate or not. So you can see here a leafy bract is present which is enclosing the whole petals and sepals. So agar kisi flower mein aapko aise leafy bract mil rahe hain to yeh hamara bracteate flower hoga. But एज यू कैन सी वी हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर्स और किसी में भी ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है. तो ये ई ब्रैक्टेट के एग्जाम्पल है, जबकि यहाँ पे वी हैव अ लीफी ब्रैक्ट. यू कैन सी हेयर वी हैव अ लीफी थिक लीफी ब्रैक्ट. बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्टिंग नेचर, इट प्रोटेक्ट द होल पेटल्स और सेपल्स. तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए है. सो ये हमारा लीफी ब्रैक्ट का एग्जाम्पल है. और जब आप फ्लोरल डायग्राम लिखते हैं तो बी आर से ब्रैक्टेट को रेप्रेजेंट करते हैं. We'll discuss the reproductive part very soon. So, you can see here we have petals and we have colorful other than green sepals. So, you can see here we have sepals, we have petals, but हमारे जो सेपल, जनरली जो आपकी सेपल होती है दैट इज ग्रीन इन कलर. मैंने कोशिश की है, वी हैव अ कैनालीली. और कैनालीली के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी सेपल है वह नॉन ग्रीन है. जनरली यह ग्रीन होती है. सो यू कैन सी हेयर, ये जो मैं आपको दिखाऊं ये क्या है, क्या ये होल्ड एक कंबाइंड, अगर आपस में ये फ्यूज होती है. आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये हमारी पेटल है और ये सेपल है. और ये सेपल्स जो है आपस में फ्यूज हो रखी हैं. अगर ये फ्री होती तो हम इसे एपोसेपलस कहते. यहाँ पे फ्यूज है तो हम इसे सीन कहेंगे. ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक होल्ड को, जो हमारा यहाँ पे होल्ड है पूरे के पूरे सेपल का, हम इसे कैलिक्स कहते हैं. और यहाँ पे यू कैन सी वी हैव कलरफुल पेटल्स. और हमारे पास जो पेटल्स हैं इसके पूरे होल्ड को हम क्या कहेंगे, हम इसे कोरोला कहेंगे. सो एक यूनिट है, यू कैन सी हियर एक यूनिट की तरह है. तो यह सेपल है, जब यह पूरा होल्ड है तो यह क्या हो गया, हमारा कैलिक्स हो गया. अभी हमारे पास कलरफुल पेटल्स हैं एंड जब ये एक यूनिट है तो हमारा ये एक पेटल है. बट जब ये पूरे होल्ड की बात कर रहे हैं तो यह हमारा कोरोला है. ये जो है एक्सेसरी पार्ट है, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते. ऑल दो दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वहां पे ब्राइट कलर्स और सेंटेड जो होती है, दीज आर सम स्वीट जूस ऑफ फ्लावर और द नेक्टर, दीज आर सम रिवॉर्ड्स फॉर द इंसेक्ट्स. और जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं. सो यू कैन सी हेयर. और क्लास 11th में जो है आप पढ़ते हैं इनफ्लोरोसेंस को, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. सो हेयर यू कैन सी वी हैव इनफ्लोरोसेंस. यू कैन सी हेयर वी हैव अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. सो हमारे पास एक इनफ्लोरोसेंस है. नाउ यू हैव टू डिफ्रेंसिएट वेदर इट्स साइमोस और रेसिमोज. सो वी शुड रिकॉल द कंसेप्ट. बेसिकली जो हमारा रेसिमोज का कंसेप्ट है उसमें कहते हैं कि जो हमारी टर्मिनल बर्ड होती है यह ग्रो कर रही होती है. यू कैन इजिली सी हेयर इट्स ग्रोइंग. सो हमारी जो टर्मिनल बर्ड है यह ग्रो कर रही है. नाउ वट अबाउट द एक्रोपीटल एंड बेसिपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. सो इन एक्रोपीटल जो होती है, ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस एंड यू कैन सी हेयर वी हैव यंगर और न्यूअर फ्लावर्स एट द टिप, बट द
older flowers are at the base. So, और हमारी जो है टर्मिनल बर्ड जो है ये ग्रो भी कर रही है. आप देख रहे हो कि इसके फ्लावर्स यहाँ पे ग्रो बढ़ते जा रहे हैं और ये ग्रो करते चली जा रही है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, जहां पे अरेंजमेंट जो है दैट इज ऑफ एक्रोपीटल. सो एक्रोपीटल अरेंजमेंट है. हमारे जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वह बेस में है और आप देख सकते हो जो न्यूअर फ्लावर्स हैं छोटे छोटे से स्मॉल डेलिकेट से जो हमारे बर्ड्स हैं यह टिप पे एक्सेस पे है. सो इट्स एन अरेंजमेंट और यह रेसिमोज का है. और एक हम देख लेते हैं साइमोज के केस में क्या हो रहा है. नाउ यू कैन सी हियर. सो हमारे पास क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वह टिप की तरफ है. और ऑल्दो आई डोंट हैव द कम्प्लीट सेट, क्योंकि इतनी ही इन्फ्लोरेसेंस हो रखी थी इस फ्लावर के ऊपर जहां से मैं इसे ऑब्टेन कर पाई, तो मुझे मैं इस तरह से इतनी खूबसूरत सी सेट तो मुझे नहीं मिली है. बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर. सो यू कैन सी हेयर वी हैव ओल्डर फ्लावर और आपकी जो यंगर फ्लावर है वह बेस की तरफ है. यू कैन सी हेयर एक यहाँ पे बर्ड है हमारा, यहाँ पे तो आप देख रहे हो स्टॉक से बिल्कुल कम्प्लीट एक जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे सीन इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो यंगर फ्लावर्स हैं वह बेस की तरफ है और ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वह एक्सिस या टिप की तरफ है. इस तरह के अरेंजमेंट को हम बेसी पीटल अरेंजमेंट कहते हैं एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस. सो यह हो गया हमारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फ्लावर्स के बारे में. नाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये एक ब्रैक्ट वाला एग्जांपल था जो मैंने आपको दिखाया. नाउ अब भी क्या हो सकता है, द फ्लावर विल हैव ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विल हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो मेरे पास राइट नाउ जो फ्लावर है इसमें क्या सीन है, वेदर बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट और जस्ट. तो हम इसे देख लेते हैं. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे पेटल्स हैं यह फ्यूज हैं. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पेटल्स आर फ्री. आप देख रहे हो ये फ्री हैं. तो ये जब फ्यूज होते हैं तो ये गैमोपेटलस के एग्जांपल हो जाते हैं. और ये कंडीशन जो होती है एपो और सीन होती है. एपो में हमारे जो फ्री कंडीशन होती है और सीन का एपो कार्पल, हम कार्पल के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि गाइनीशियम जो है बेसिकली जिस टॉपिक पे बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फ्यूज्ड है जो हमारे पेटल्स हैं वह फ्यूज्ड हैं. एक कंप्लीट होल है, इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं है. और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे जो चीजें हैं मैं उसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो ट्विस्टेड, जो हमारी पेटल्स या सेपल्स की जो अरेंजमेंट है वो ट्विस्टेड है. यू कैन सी हियर, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो रखे हैं. तो ये ट्विस्टेड अरेंजमेंट है ना. हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे. सो लेट्स सी वेदर इट्स. अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि हर केस में हमारा सेपल जो है वह मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वह ग्रीन इन कलर होता है. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे ग्रीन है. बट हमने कॉमेलिना लिली के केस में क्या देखा था, कैना लिली के केस में हमने देखा था कि दैट वाज नॉन ग्रीन. तो यहाँ पे मैं इसे निकालती हूँ. अगर जो हमारा ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये निकल के आया है एंड आई कैन शो यू. ये देखिए ये आपस में फ्यूज्ड है, ये फ्री नहीं है, ये फ्यूज्ड है. जितने भी हमारे कैलिक्स हैं ये फ्यूज्ड हो रहे हैं. सो यू कैन सी हियर ये फ्यूज्ड है, कैलिक्स हमारे फ्री नहीं है. नाउ Now we'll try to understand whether both sexes are present or just one. Okay, so you can see here. Yeah, आप ये देखिए, it's so beautiful. यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, we have female reproductive part. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, stigma है. ये जो है लैंडिंग गियर है, यहीं पे हमारे पॉलेंस की जो है टेस्टिंग होनी है. सो वी हैव स्टिग्मा और ये आप क्या देख रहे हो, स्टाइल है. और ये कैरी कर रही है एक स्वलन पोर्शन है, बेसल पोर्शन, यह हमारा ओवरी है. एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी. एंड वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट्स
awesome. You can see here, आप देख लीजिए कि हमारे anthers जो है कैसे filament से जुड़े हुए हैं. और ये कैसा condition है, number of anthers जो है यहाँ पे, ये bivalved anthers present हैं, ये filament से जुड़े हुए हैं. और यह फ्यूज्ड है, किसके साथ फ्यूज्ड है, यू कैन सी हियर, ये पेटल्स के साथ फ्यूज हो रखे हैं. सो आप फ्लोरल डायग्राम बनाते समय इन बातों का बहुत केयरफुली आप ड्रॉ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. यू कैन सी हियर, मैं इसे सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये फ्यूज्ड हो रखे हैं, तो आपको यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम लिखते समय ऐसी बातों का ध्यान रखना है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें काउंट भी करनी है कि कितने एंड्रूसियम प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट. So you can easily count 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि we have 4 और ये फ्यूज है किसके साथ, पेटल्स के साथ. और आप आसानी से देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलेंस है, यू कैन सी पॉलेंस आर देयर. और ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सो अब ये क्या हो गया, ये मोनोइसियस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है हमारे पास, हैविंग बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. So we have flower having both male and female reproductive part. यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, so again we have male and female reproductive part. Again you can see here, let me show you. तो आप यहाँ पे देखोगे वी हैव, और फिर से यही है पेटल्स के साथ, और इस बार नॉट ओनली पेटल्स, ये सेपल्स के साथ भी फ्यूज्ड है. जो हमारे एंड्रूसियम है वह पेटल्स और सेपल्स के साथ, बेसिकली ये जो है आपका, यह सेपल्स के साथ फ्यूज्ड हो रखा है, यह आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. लेट्स ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ एंड्रूसियम प्रेजेंट इन हेयर. सो इट्स अ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो यह कैसा है, पेंटामेरस यानी मल्टीपल ऑफ 5 में प्रेजेंट है. सो एक पेंटामेरस का एग्जाम्पल है हमारा, और ट्राइमेरस और पेंटामेरस को मोनोकॉट और डाइकॉट के कंटेक्स्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नाउ वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, इट इज स्टिग्मा, जो टिप वाला सोलन पोर्शन है, इट इज अ स्टिग्मा एंड स्टाइल वी हैव. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मिल पाई इन फ्लावर्स से वो देख ली, बट द पर्पस वाज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट, बेसिकली हाउ अ फीमेल गैमेटोफाइट डिवेलप. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट हम इसे समझने वाले हैं, इट ग्रोज फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. सिंस सिंगल मदर सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, सो वी कॉल्ड इट एज मोनोस्पोरिक. ओके, मोनोस्पोरिक, जस्ट वन मेगास्पोर मदर सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू अ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट. नाउ we have new cellar cells. We have some cells, new cellar cells. One of the new cellar cells or cells of new cellars transform. So here I'm trying to show you, these are cells of new cellars. One of the cell of new cellars transform and differentiated into megaspore. Okay, so we have a megaspore and one nucleus is there in megaspore. Now there will be meiosis, so we'll call it as megaspore mother cell. So after meiosis we'll have a dyad formation, it means it will divide into two. Don't get confused with this nucleus, it was earlier one, so right now we have, so let me draw here. So we have new cellar cells surrounding
and one of the nucellar cells modified into female gametophyte and it divide and it give rise to formation of a dyad condition. You can see here there is division of nucleus, no cytoplasmic division, division of nucleus later on, earlier division of nucleus, later on it get accomplished by the cytoplasmic division. So we have a dyad condition. Now again it undergo meiosis 1 and then meiosis 2. Now we have tetrad formation means we have four cell, and here in nucellus there is division and it is towards the micropylar end. So here we have tetrad formation. This megaspore first divide into dyad or in two, and these two undergoing meiosis resulted into formation of tetrad. Now we have one megaspore and rest three are degenerating cells. So these three degenerating cells or we can call it as, so here we have another nucellar cells surrounding this megaspore. So you can see here we have nucellar cells surrounding this megaspore. Now this is called micropylar end and this is called challenger end. So it is micropylar end and this is challenger end. So here I am writing challenger end. Okay, now what happens, this megaspore mother cell, one of the megaspore undergo just karyokinesis, it means division of nucleus. So we have now two nucleus, we have one nucleus here and another nucleus here. So one towards challenger end and one towards micropylar end. So we have two nucleus and these two nuclei divide further and we have four nucleated structure. Later on these four nucleus undergo further karyokinesis and ultimately we have eight nucleated structure. So we have eight nucleated structure. Okay, now these nuclei arranged, so three nuclei arranged at micropylar challenger end and three nuclei at micropylar end. So you can see here and two nuclei are centrally located. So we have micropylar end, so we called it as synergids and we have antipodal cells. Now we have a structure like eight nucleated seven celled structure. Basically here we have nucleus 1 2 3 4 5 6 7 8 and after cytoplasmic division we have a structure like in a female gametophyte which we called embryo sac or female gametophyte. So we have a structure like these cells are arranged like this and in center just one cell having two nuclei. So altogether we have cells
Let's count the number of cells. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 celled and 8 nucleated structure. 7 celled, 8 nucleated structure. This is female gametophyte, and we'll try to understand that this is structure ovule. Here we have egg guided by the filiform apparatus. So filiform apparatus will guide two male gametes, that is vegetative cell and generative cells, and due to which we get double fertilization or triple fusion. And new cells are responsible for providing energy or basically nutrition to the growing embryo. Okay, so we have new cells surrounding this embryo sac. So students, this is a structure of female gametophyte. Yeah, hamara jo structure hai, 7-celled, 8-nucleated structure, yeah hamara kya hai? Female gametophyte hai. And जो हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इट कंप्राइजेज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इफ द नंबर ऑफ स्टिग्मा इज 1, वी कॉल्ड इट एज मोनोकार्पेलरी. इफ इट इज 2, बाइकार्पेलरी. इफ इट इज 3, ट्राइकार्पेलरी, मोर देन पॉलीकार्पस कंडीशन. ओके, एंड इफ number of stigma are or gynecium, basically we called compoundly stigma, style and ovary as a single unit. So stigma, style and ovary, and combined structure is called carpel. तो हम इसे carpel कहते हैं. ये depend करता है, अगर 1 है carpel का number तो हम इसे monocarpellary कहेंगे, 2-3 polycarpellary कहेंगे. Now अगर यह carpels आपस में fused होते हैं तो हम उसे scene carpus कहते हैं. अगर बहुत सारे number में और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम उसे scene carpus कहेंगे. अगर वह फ्री हैं बहुत सारे नंबर्स में बट दे आर फ्री, तो हम उसे एपोकार्पस कहते हैं. जो आपका एग्जांपल होता है सीन कार्पस का, वहां पे आप देख सकते हो कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो सोलेनम्स होते हैं वहां पे आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है. सो एपोकार्पस और सीन कार्पस हमारा हो गया और हम इस कंबाइंड को कार्पेल कहते हैं. तो अब हम थोड़ा सा एनाट्रोपस ओव्यूल को डिस्कस कर लेते हैं. एनाट्रोपस ओव्यूल, बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? तो अभी हमने फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्कस किया, बट फीमेल गैमेटोफाइट को सराउंड करते हुए न्यू सेल्स होते हैं. तो यह न्यू सेल्स है, यह हमारा एम्ब्रियो सैक है. इसके बाद क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को वी कॉल इंटेग्यूमेंट. और इंटेग्यूमेंट जो होते हैं, इफ देयर टू, आउटर वन इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर वन जो है हम उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास जो है वह न्यू सेल्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है. जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, दैट इज 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर है हमारा. उसके बाद न्यू सेल्स है और हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह एक हमारा इंटेग्यूमेंट है, यह दूसरा इंटेग्यूमेंट है, बाहर वाले को हम आउटर इंटेग्यूमेंट कह देंगे. सो इस तरह का स्ट्रक्चर है. नाउ दिस इंटेग्यूमेंट इज अटैच्ड अभी यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारा फ्यूनिकुलस है, यह फ्यूनिकुलस एंड हाइलम, यह हमारा माइक्रोपाइल एंड है.
सो हम इसे माइक्रोपाइल कह देते हैं, यह हमारा चैलेंजर है। एक्चुअली इसे आप ऐसे दिखा सकते हैं या यहाँ पे ओपन है। सो बेसिकली यह जो है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जनरली जो मिलने वाला होता है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। स्पेशलिटी क्या है, यह 180 डिग्री रोटेशन शो करता है, यह 180 डिग्री का रोटेशन शो करता है। और माइक्रोपाइल और चैलिसल जो होते हैं वह एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं, और यह फ्यूनिकल के साथ 180 डिग्री का रोटेशन शो करने के बाद यह फ्यूनिकल से आके फ्यूनिकल के थ्रू यह प्लेसेंटा से ज्वाइन हो जाता है। इस ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं।